आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि सुबह का कोई काम मैंने नहीं दिखाया। मंगलवार में मेरा सबसे ज़्यादा समय पूजा पाठ में चला जाता है। पूजा तो हर रोज़ करती हूँ, मंगलवार तो आप लोग जानते हो मेरा स्पेशल डे रहता है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को मैं तिलक कर रही हूँ, जैसे माताएं हैं तो उनको सिंदूर से करती हूँ। भगवान जी लोगों को, जो भगवान जी को सिंदूर लगाना होता है उनके सिंदूर लगाती हूँ, धूप दीप करके फिर पाठ करने बैठती हूँ और हवन वगैरह मैं करती हूँ, और एक माला दो माला फेर देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास से दो माले के टाइम नहीं है कि मतलब हम दो माला फेरे, तो ये एक माला कर सकते हो और मात्र 5 मिनट का काम होता है, ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ी जब आदत हो जाती है ना तो बहुत आसानी से हो जाता है काम, और ज़रूर करना चाहिए। और माला फेरने में थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगता है तो अच्छा फील होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। बस ये मैं कहूँगी कि मन को बहुत ज़्यादा संतोष होता है, इसलिए करते हैं, और इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। और पूजा पाठ में अंधविश्वास करना भी नहीं चाहिए, मन के शांति के लिए हमें सब करते हैं कि हाँ भाई, संतोष हो जाता है कि सब ठीक है। और जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा, वो कोई नहीं बदल सकता है, पर हाँ, जो ग्रह थोड़ा बहुत होते हैं उसे टाल सकते हैं पूजा पाठ के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होते, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अम्मा हमारी देखो कितने देर से बैठी हैं, अम्मा तो पाठ बहुत अच्छे, मतलब ये जो माला फेरना होता है 4 माला 5 माला 7 माला इस तरह फेरती हैं, और यहाँ सास बहू मिल के कर रहे हैं आरती। तो आज हनुमान जी का डे है तो आरती वही होगी, हनुमान जी की और गणेश जी की। और ये हवन वाला धुआं हमेशा की तरह ये पूरे घर में कर देती हूँ, इससे वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। तो ये मैं हर मंगलवार का को घर में गंगा जल छिड़काव और ये धुआं आप लोग देखते हुए हवन वाला धुआं कर देती हूँ। और इस मेरा पूजा पाठ हो गया है, और अम्मा आज दोनों लोग साथ साथ करें तो जल्दी हो गया। और इधर मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे तो ये कपड़े भी हमारे धुल गए हैं। फ्रेंड्स, सुबह के टाइम ना इतना ज़्यादा काम रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको, कि मतलब एक काम करो और दूसरा रेडी रहता है करने के लिए। तो इधर मैं कपड़े निकाल रही हूँ, ये कपड़े मैं नहीं सुखाने जाऊँगी, मेरी बहनी जाएंगी, यानी कि बड़ी वाली नंद है ये, तो यही जाएंगी, ये कह रही मैं सुखाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, सुखाओ, और तब तक मैं बना लेती हूँ चाय। तो पूजा वगैरह करने में टाइम हो गया है 8:30, चाय के लिए लेट हो गया है, तो मैं बनाऊँगी चाय और ब्रेड सेकूँगी, क्योंकि और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब से बहनी आई है ना सारे चीज़ें बन चुके हैं नाश्ते में, कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मैंने कहा आज सिर्फ कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ चाय और ब्रेड ही रहेगा हम लोगों का, तो वही चाय ब्रेड ही रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ चाय। और ये बहनी की चुन्नी थी ना, हम लोग भी कल ही गोरखनाथ से लेके आए थे और इन्होंने मशीन में डाल दिया, तो बिल्कुल सिकुड़ सी गई है। कभी भी नए कपड़े मशीन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़े का थोड़ा सा भी कलर निकल गया तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। एक बार ज़रूर नए कपड़े को हाथ से धुलना चाहिए, उसके बाद जब आप देख लो कलर नहीं निकलने उस मशीन में तब डालिए, वरना बहुत नुकसान हो जाते हैं, कई कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए। और इधर हमारा चाय हो रहा है, तो देखिए पहली बार देख रहे होंगे आप लोग कितना ज़्यादा मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि इतने बंदे मेरे घर पे काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो मैं एक टिप भर के चायदानी चाय बना रही हूँ, और ब्रेड एक पैकेट पूरा सेकना पड़ेगा, सबके लिए है। और इधर मेरा ब्रेड भी सेक गया है, और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है, और मटर छिलने में सारे लोग जुटे हैं, दोनों बहनें नंद रानी दोनों हैं और अम्मा भी हैं। और मुझे मटर छीलना नहीं पसंद है तो मैं नहीं छीलती हूँ, मटर अम्मा ही छीलती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मटर छीलना। मैं क्या बताऊँ, अगर अम्मा नहीं रहती ना मैं इनसे मैं बहुत ज़्यादा इनसे रिक्वेस्ट करके और छिलवाती हूँ मटर, तो मुझे नहीं मटर छीलना पसंद है। और बातें भी हो रही यहाँ पे, और मैं किसी के बारे में बता रही हूँ कपड़े वगैरह के बारे में, तो कई कपड़े तो बहुत सारे बातचीत हो जाते हैं हम लोगों का इस तरह से। तो ये कंटिन्यू रोज़ ही चलते हैं, नाश्ते के बाद भी खाना पीना, मतलब जो नाश्ता कर लेते हैं तो तुरंत खाना बनता नहीं है, तो यही होता है हम लोगों का गप सप रोज़ ही का है, और हंसी मजाक हम लोगों का चलता रहता है फ्रेंड्स। और जब से बहने वहने आए हैं ना बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, कब सुबह से शाम हो जाते हैं पता ही नहीं चल पाता है। और आज जाना है मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हुआ होगा, आप लोगों ने देखा ही हुआ है, और ये मैं मार्केट गई थी, कल से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि
तो नवरात्रि के अवसर पे ये से माता रानी के लिए जो कपड़े वगैरह थे वो लेने के लिए मार्केट चले गए थे। तो सभी चीज़ें लगभग मैं ले आई हूँ, बस घी बच गया है, मैं बाद में ले आऊँगी। और ये माता का लहंगा लाई हूँ, कितना प्यारा है ना, ये देखिए। लेकिन ये बस हमको ये चीज़ करना पड़ेगा, इसका धागा जो है ये छोटा है और माता रानी को ये छोटा पड़ेगा, बट इसको मैं पीछे से इसमें थोड़ा डोरी लगा दूंगी और ये इसका छोटा हो गया है। बाकी ये हमको ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगी ना, इसलिए ये ले लिए, पर महंगा दिया है। इतना छोटा सा कपड़ा 110 रुपये का है, लेकिन अच्छा लग रहा था, माता के लिए लाई थी। और माता की ये मूर्तियाँ भी लाई हूँ, तो वो मूर्ति मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी, आज जी रहने दीजिए, आज यही ये सब देख लीजिए आप लोग। और श्रृंगार के साथ सारे चीज़ें हैं, तो श्रृंगार के सारे चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही लाती हूँ, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करती हूँ मैं वही लाती हूँ, क्योंकि अब माता रानी उठा के तो ले नहीं जाएंगी, इस्तेमाल तो हमें ही करना होता है, बट ये उनका आशीर्वाद रहता है तो हमें इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए मैं तो अच्छी चीज़ें लेके आती हूँ। कहते हैं ना माता को चढ़ाना कुछ है, जो माता को पहनाना है तो लोकल क्यों करें, तो इसलिए मैं तो वही लाती हूँ जो खुद इस्तेमाल करती हूँ। और ये चुन्नी माता का है, तो ये चुन्नी मुझे अच्छी लग रही थी, थोड़ी तो ये बुंदे वाली है, और इसका ये भी मुझे अच्छी फिनिशिंग लग रही थी इसलिए लिए। तो मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ, मेरा बड़ी बुरी आदत है या अच्छी आदत है ये मैं नहीं जानती, लेकिन डांट बहुत खाती हूँ हस्बैंड जी से, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें खरीदती हूँ वो ये रहता है कि मतलब मैं अच्छा ले जाऊँ, और ये कहते हैं तुम लोग तो असली बना दियो। और मेरा कहना होता है कि असली ही है, जब मैं श्रद्धा से कोई काम कर रही हूँ तो असली ही है, उनको हम ले जा रही हूँ उनके लिए, तो असली नहीं नकली थोड़ी ना है, उन्हें पूज रही हूँ, एक माँ से माँ है वो, तो उन्हें पूजना है। अब वो तो हमारे हृदय मन जाने, हृदय जाने हमारा कि वो असली है नकली है, ये तो हम ही जानते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कह सकते वो नकली है या ये सब कोई फ्रॉड फॉर्मेलिटी पूरा करने वाली चीज़ है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो भी करो दिल से करो, और जैसे चीज़ें अपने खुद इस्तेमाल करते हो वही माता के लिए लाइए। और ऐसा मतलब नहीं कि मतलब काम निपटाना है, काम निपटाने वाला आप दो चीज़ों में से एक चीज़ ले आइए, जैसे लहंगा नहीं हम नहीं ला पाते हैं, मैं नहीं कहूँगा आपके पास नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे भी मैंने देखा कि दिक्कत होता है, तो आप सिर्फ चुन्नी ले आइए, माता चुन्नी से भी प्रसन्न हो जाती है और बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको देती। माता ये नहीं देखती आप कितने रुपये ले आए हो, माता ये देखती कितने भाव से आप लाए हो, आप कितने श्रद्धा से लाए हो, वो चीज़ देखती हैं। तो इसका मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि इतनी भीड़ थी दुकान पे, तो मतलब बहुत मुश्किल से मैं ये ले आई हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दुकान पे, जहाँ मतलब मैं उस दुकान पे जाती हूँ जो मुझे मतलब चीज़ें अच्छे मिले और फिनिशिंग हो, उस चीज़ में जाती हूँ, तो फिनिशिंग के चक्कर में इतना देर मुझे लाइन में वहाँ पर लगना पड़ा, और इतना ज़्यादा भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मैं वीडियो की पड़ी है और यहाँ भीड़ के में जान निकल रही है। और चूड़ी रेड ही लाई हूँ, प्लेन चूड़ी रेड लेके आई हूँ मेरा माता का। तो कल हम माता का श्रृंगार करते हैं, फिर आपसे माता से मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, कल के ब्लॉग में वापस से आपसे मिलेंगे। और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो ये एक लाइक बनता है, और नहीं अच्छा लगता डिसलाइक बनता है। और ये चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी कि मतलब अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और इतने देर बने रहते हो, और जो भी भाई बहन हमारे देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, अब जाऊंगी खाना बनाने, सो कल मिलेंगे, बाय। और हाँ, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एक दिन पहले मैं दे रही हूँ आप लोगों को, सो बाय फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब खाना रात का, और रात के खाने में ये बन रहा है पनीर की सब्जी है, तो पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है ये पनीर वाली सब्जी जो होती है, तो इस तरह से बनाइए, थोड़ा सा मसाले को पीस लेते हैं ना, तो अच्छा तरी बनता है और बहुत ही अच्छी सब्जी स्वादिष्ट बनती है। तो दो लवंग इलायची और दालचीनी लहसुन और थोड़ा सा जीरा, बस इतना ही मैं पीस लेती हूँ, और ये देखिए इसमें डाल देती हूँ, तो इसे मैं पहले पका लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये वाली सब्जी ना बहुत है, मतलब मटर पनीर तो सभी बनाते हैं, और ये वाली जो सब्जी मैं बनाती हूँ इसकी रेसिपी हमने डाल दिया है सरस किचन में, आप लोग देख सकते हो, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है हमारे घर में।
तो ये मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करती हूँ। और मैं बताती हूँ कि मतलब सरस किचन में इसकी रेसिपी पूरी है, अपने पूरी वीडियो अगर हम बनाओगे तो मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर कोई देखता ही नहीं है, इतना लंबा हो जाता है, मैं खुद ही नहीं टाइम दे पाती हूँ इतना ज़्यादा। तो मैं छोटा ये ब्लॉग मतलब कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। और यहाँ पे ये सब्जी बहुत अच्छे से बन जाती है और टेस्टी बहुत लगती है ये से, ये वाले मसाले से जो कच्चे मसाले होते हैं। तो हमारी ये पनीर है ना, तो पनीर में आजकल बहुत ज़्यादा पानी आते हैं, तो इस पहले मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रख दिया। और चावल बना रही हूँ, तो चावल में बना रही हूँ पुलाव है, ये जो काला नमक चावल होता है ना, इसका पुलाव बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग कभी बनाइएगा। तो काला नमक चावल का बना रही हूँ पुलाव, और छोटी वाली बहनी को आज जाना भी है, तो मैं यहाँ पे सारे किचन की थोड़ा साफ़ सफाई करती रही हूँ साथ साथ। तो आप लोग हमेशा देखते हो कि मतलब किचन की साफ़ सफाई, जैसे थोड़ा सा मेरा काम होता है तुरंत कर देती हूँ।